माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको भी संबंधों में धोखा मिला है और आप अंदर से टूट चुके हैं, तो आज आपको मेरे साथ ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। मैं रंजना अपने चैनल गुलाबिस कॉर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है कि अपनी पीठ को हमेशा मजबूत रखें, क्योंकि शाबाशी भी पीठ को थपथपा के दी जाती है और धोखा भी पीठ पीछे ही दिया जाता है। तो बहुत पुराने समय की बात है, एक व्यापारी था, उसको एक लड़की से, कन्या से प्रेम हो गया। और उस जमाने में उनके माता पिता ने जिससे वो प्रेम करता था उसी के साथ उस व्यापारी का विवाह करा दिया। दोनों एक दूसरे से इतना ज्यादा प्रेम करते थे, उनकी प्रेम की कहानियां, उनकी चर्चाएं जो है पूरे नगर में धीरे धीरे फैलने लगी। व्यापारी का व्यापार भी अच्छा चल रहा था, तो दोनों की जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली थी। धीरे धीरे ये बात जो है राजा तक भी पहुंची। तो एक दिन ऐसे ही राजा और रानी दोनों ही छत पर टहल रहे थे और तारों की जो टिमटिमाहट है उसको देख रहे थे। पूरे नगर में अंधेरा था, लेकिन वो जो व्यापारी था सिर्फ उसके ही छत के ऊपर मशाल जल रही थी। तो राजा और रानी दोनों बात करते हैं कि पूरे नगर में तो अंधेरा है, लेकिन उस व्यापारी की छत पे अभी भी मशाल जल रही है। तो राजा रानी एक दूसरे से बात करने लगते हैं, बोलते हैं हाँ, इन दोनों का प्रेम भी बहुत ज़्यादा है और इनकी प्रेम की चर्चाएँ पूरे नगर में फैली हैं। तो राजा बोलता है कि वो व्यापारी बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत ही अच्छा है, इसलिए उनका प्रेम जो है सफल है। रानी बोलती है नहीं, वो स्त्री बहुत अच्छी है, वो कन्या बहुत अच्छी है, इस वजह से उन दोनों का प्रेम जो है इतने अच्छे से संबंध चल रहा है। तो राजा रानी आपस में बहस करते हैं और बोलते हैं चलो ठीक है, कल हम उनकी परीक्षा लेते हैं। तो सुबह जब होती है, रानी एक पत्र लिखती है और अपनी सेविका को देती है और बोलती है जाके ये पत्र आप व्यापारी को देना। वो ऐसा ही करती है, वो जो पत्र लिखती है उसकी सेविका व्यापारी के पास लेके जाके देती है और बोलती है कि मुझे रानी सा ने भेजा है और ये छोटा सा पत्र आपके नाम लिखा है। वैसे मुझे इस पत्र को पढ़ने में बहुत शर्म आ रही है, लेकिन मैं फिर भी रानी की आज्ञा है पढ़ रही हूँ। वो बोलती है इस पत्र में रानी साहिबा ने लिखा है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं, आपके ऊपर सम्मोहित हो गई हैं और आपसे प्रेम करना चाहती हैं, यदि आप अपनी धर्मपत्नी को मार दें तो वो आपसे विवाह कर लेंगी। व्यापारी बोलता है ऐसा कभी नहीं हो सकता है, एक रानी तो क्या, ऐसी हजार रानियां आए तो भी मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता हूँ, उसका साथ मैं नहीं छोड़ूंगा। ये संदेशा वापस सेविका रानी के पास जाती है और उसे बताती है। फिर बारी आती है राजा की, फिर राजा भी एक पत्र लिखता है और अपने सेवक को देता है और बोलता है उस व्यापारी की स्त्री को ले जाके ये पत्र दो। राजा ने जो पत्र में लिखा था, सेवक जाके उस व्यापारी की पत्नी के पास सम्मुख पढ़ता है और बोलता है इस पत्र में लिखा है कि आप बहुत ही सुंदर हैं और मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, बस शर्त ये है कि आप अपने पति की हत्या कर दें, उसके बाद मैं आपको अपने राज्य की रानी बनाऊँगा। तो व्यापारी की जो पत्नी होती है उसके मन में लालच आ जाता है, वो बोलती है उस सेवक को ठीक है, आज रात को 2 से 3 बजे के बीच मेरे छत पे जो मशाल जल रही है वो बुझ जाएगी, तो आप समझना कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। ये संदेशा जाके सेवक राजा को बताता है। राजा बहुत ही चौंक जाता है और वो एक टुकड़ी तैयार करता है अपनी और बोलता है जब भी, जैसे ही वो मशाल बुझेगा रात को, आप तुरंत जाके उस व्यापारी को बचा लेना। हुआ भी ऐसा, रात के जैसे ही 2 और 3 के बीच का टाइम हुआ, वो मशाल बुझी, तुरंत ही सेना की जो टुकड़ी राजा ने तैयार कर रखी है वो अंदर जाती है, तो देखती है कि व्यापारी की पत्नी ने व्यापारी को मार दिया था, व्यापारी अब इस दुनिया में नहीं था। उसको तुरंत, व्यापारी की पत्नी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे राजमहल का जो जेल होता है उसमें डाल दिया जाता है। और जब ये बात राजा को पता चलती है तो राजा जो है बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होता है और अंदर से विचलित होता है। उसे क्रोध और विचलित होने का कारण ये है कि एक तो वो बिल्कुल, उसे ये नहीं था कि ऐसा व्यापारी की पत्नी करेगी, राजा को लग रहा था कि इतना प्रेम है तो मेरे एक पत्र देने से ऐसा नहीं होगा। दूसरा, उनको इस बात का दुख था कि मेरी वजह से उस बेचारे व्यापारी की हत्या हो गई, मुझे ऐसा काम करना है, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उन्हें पूरी स्त्री जाति से जो है नफरत हो गई। तो राजा ने अपने सबसे
जो बड़ा मंत्री था उसे बुलाया और उसे आदेश दिया कि मैं जा रहा हूँ शिकार पे और शाम तक जितनी भी इस नगर की महिलाएं हैं सबका सर कलम कर दिया जाए, मुझे पूरी नारी जाति से जो है नफरत हो चुकी है। राजा जो है शिकार पे चला जाता है। अब वो मंत्री बिल्कुल कश्मकश में पड़ जाता है कि एक स्त्री की वजह से नगर की पूरी स्त्रियां को कैसे मार दिया जाए। वो बहुत ही ज्यादा घबराहट में होता है, वो अपने पिता के पास जाता है। जब उस राजा के पिताजी का टाइम था, वक्त था, तब वो मंत्री के पिताजी मंत्री थे। वो जाता है मंत्री और अपने पिताजी से बताता है कि पिताजी ऐसी ऐसी बात हो गई है, आप बताइए मैं कैसे आदेश दे दूँ सारी स्त्रियों को मारने के लिए। तो मंत्री का पिता बोलता है कि तुम जाके कहीं छुप जाओ, बाकी स्थिति मैं संभाल लूंगा। शाम को जब राजा आता है नगर में वापस शिकार के लिए, तो वो देखता है सारी स्त्रियां उस तरीके से नगर में इधर उधर टहल रही है। तो राजा का गुस्सा जो है बिल्कुल परवान चढ़ जाता है और वो बहुत गुस्सा होता है। और गुस्से में सबसे पहले उस मंत्री को वो ढूंढने लगता है जिसको राजा जी ने आदेश दिया था। वो मंत्री नहीं मिलता है तो राजा सीधा उसके घर पहुंच जाते हैं। वहां पर उस मंत्री का बूढ़ा पिता मिलता है। तो राजा बोलते हैं और क्रोधित होते हैं कि तुम्हारा पुत्र कहाँ है। तो मंत्री का पिता बोलता है, राजा जी आपका स्वागत है मेरे घर में, लेकिन आप क्रोध को छोड़िए तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके पिताजी के टाइम में मंत्री था। तो राजा बोलते हैं हाँ ठीक है बोलो बोलो। तो वो बूढ़े मंत्री का जो पिता है वो बूढ़ा है और बोलता है कि राजा साहब एक बार मैं और आपके पिताजी शिकार खेलने गए, हम शिकार खेलते खेलते बीच जंगल तक पहुंच गए और हमें जो है वापस आने का रास्ता नहीं मिला था और मैं राजा जी से बिछड़ भी गया था, मैं भटक गया था रास्ता। इतने में वहां पर नकाब बांधे हुए एक व्यक्ति आया और उसने मेरे को बंदी बनाया और घोड़े पे बिठाकर दूर वो कब्रिस्तान में ले गया। कब्रिस्तान में लेके जाता है तो बोलता है कि यहाँ पर दो कब्रें खोदो। तो मंत्री को लगता है, मतलब मंत्री के पिताजी को लगता है कि आज तो मैं गया, पक्का ये इस कब्र में ये मेरे को दफनाने वाला है। तो वो तुरंत जो है दो कब्रें खोद देता है। तो फिर पास में ही एक खंडहर होता है, उस खंडहर से वो नकाब पोश व्यक्ति जो है एक लाश को लेके आता है जिसका सर जो है कलम कर रखा था और वो बिल्कुल ताजा ताजा खून देख के ना मंत्री के जो पिताजी थे बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि ये तो अभी ही इसका जो है खून किया गया है। तो मंत्री के जो पिताजी थे वो मन ही मन में सोचते हैं कि एक कब्र में तो ये इसको डालेगा और दूसरी कब्र में पक्का मुझे ही डालेगा, आज तो मेरी मौत निश्चित है। तो उस सर कटी लाश को उस कब्र में डालता है और दफना देता है। फिर वो नकाबपोश आदमी जो है अपनी मुंह की जो है वो जिसने नकाबपोश बांध रखा था उसको खोलता है। तो वो एक स्त्री निकलती है, बहुत ही सुंदर स्त्री होती है। मंत्री बिल्कुल सकपका जाता है, अरे ये क्या। फिर वो स्त्री बोलती है कि जो इस राजा इस राज्य का राजा है, मुझे पता है आप उसके मंत्री हो, उस राजा के पुत्र ने मेरी को पाना चाहा और उसकी वजह से उसने मेरे पति की हत्या कर दी और मैं अपने पति से बहुत ही ज्यादा प्रेम करती थी। तो उस राजा जी का ये पुत्र है और इसका सर जो है मैंने कलम कर दिया है, मेरा बदला मैंने ले लिया है और ये जो आप तीसरी कब्र देख रहे हैं यहाँ पर ये मेरे पति की है। तो यहाँ पर मैंने राजा के पुत्र को राजकुमार को मार के दफना दिया है और दूसरी तरफ मेरा पति है और मैं अपने पति के पास ही मैं आज दफन हो जाऊँ। ऐसा कहते कहते उस स्त्री ने अपना गला जो है काट दिया और मंत्री ने फिर उसकी लाश को वहाँ जो दूसरी कब्र थी वहाँ पर दफना दिया और मंत्री भी जो है राज्य में आ जाता है। तो मंत्री बोलता है कि आपने उस स्त्री के धोखे के बारे में तो सुना और आपको बहुत बुरा लगा, लेकिन आप इस स्त्री के बारे में ही सोचिए जो अपने पति से इतना प्रेम करती थी कि उसकी मृत्यु को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने पति की मृत्यु का बदला भी लिया और खुद भी अपनी जान जो है उसने दे दी। तो आप इस प्यार को भी देखिए, सारी एक अगर स्त्री ने ऐसा किया तो सारी स्त्रियां उस स्त्री के वजह से गलत नहीं है और अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को धोखा देता है तो उसकी वजह से सारा पुरुष समाज जो है दोषी नहीं होता है। इस कहानी के माध्यम से हमको यही ज्ञान मिलता है, यही शिक्षा मिलती है कि अगर कोई हमारे साथ धोखा देता है तो उसकी वजह से हम पूरे समाज में स्त्री को अगर धोखा मिलता है तो पूरे पुरुष समाज को वो ऐसा धोखेबाज नहीं बता सकती और वहीं पर अगर पुरुष को किसी स्त्री से धोखा मिलता है तो वो पूरे स्त्री समाज को वो ऐसे धोखेबाज नहीं बोल सकता है। तो आई होप सो आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़
शेयर, कमेंट और प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।